रात भर पानी में भिगोकर खा लो, डायबिटीज, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द का इलाज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। ये उपाय उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जोड़ों में कमर में हमेशा दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द होता है, वात इंबैलेंस है यानी कि वात से संबंधित कोई भी रोग है, कब्ज हो गया है, मोटापा है, पेट बाहर की तरफ लटका हुआ है, मसल पेन रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ी हुई है और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जो भी मैं घरेलू उपाय लेकर आती हूँ वो हमारी दादी नानी द्वारा बताए गए होते हैं, तो आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और ये दोनों ही चीजें आपके किचन में मिल जाएंगी। इन दोनों औषधियों को हमारे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वात की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हार्मोनल इंबैलेंस की जितनी भी बीमारियां हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, इस तरह की बीमारियां नहीं रहेंगी। अगर है तो वो नॉर्मल हो जाएंगी। शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डाइजेशन आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, पेट के जितने भी रोग है वो दूर हो जाएंगे, चेहरे पर ग्लो आएगा, रिंकल्स नहीं आएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं इस उपाय के बारे में, कैसे बनाना है और इसे कैसे खाना है। इस वीडियो में मैं आपको आपके शरीर के नेचर के हिसाब से बताऊंगी, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से कंज्यूम करें, क्योंकि ये दोनों ही औषधियाँ बहुत पावरफुल है और दोनों की ही तासीर गर्म होती है। अगर इसे सही तरीके से नहीं लिया जाए तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं इन चीजों के बारे में। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर चीज दिखाई जा रही है, ये है अजवाइन के दाने। अजवाइन दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये शरीर में बढ़ी हुई वायु यानी वात को दूर करती है, वात रोगों के बढ़ने की वजह से जोड़ों में होने वाला दर्द, सूजन को दूर करती है। इसके अलावा जिनके शरीर में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उन्हें रोजाना अजवाइन का पानी पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे यूरिक एसिड घुलकर शरीर से बाहर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके स्वेलिंग आ चुकी है उसे दूर करता है। ये हार्ट की मसल्स को मजबूत करने में मदद करता है। डाइजेशन इससे अच्छा होता है। ये शरीर की गंदगी और चर्बी को साफ करता है। शरीर में बढ़े हुए एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, अजवाइन पेट के लिए रामबाण औषधि है। अगर आपको पेट में दर्द है या ब्लोटिंग हो रहा है, अपच की समस्या हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, तो आप सिर्फ दो चुटकी अजवाइन को दो चुटकी काला नमक के साथ लेकर इसे चूसते रहिए। इसके रस को पेट में जाने दीजिए। दोस्तों, आप एपच और ब्लोटिंग की समस्या से तुरंत आराम पा लेंगे। अजवाइन पूरे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर हम दूसरी चीज लेंगे दोस्तों, वो है कलौंजी। कलौंजी के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो हमारे शरीर में बढ़े हुए टॉक्सिन्स को, यूरिक एसिड को, खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देती है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ाने का काम करती है। ये हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करती है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा कलौंजी के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, आपने कलौंजी के बारे में कहावत तो सुनी ही होगी, कलौंजी हर मर्ज की दवा है, बस आपको इसका प्रयोग करना आना चाहिए। कलौंजी दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करती है, इससे हाई बीपी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा ये छाती में बनने वाली बलगम को भी बाहर कर देती है। अगर किसी को भी बहुत दिनों तक खांसी हो रही है, छाती में बलगम जमा हो रही है, तो सिर्फ आपने कलौंजी की 8 से 10 बूंद तेल लीजिए और इसे छाती पर मसाज कीजिए, तो इसे जितनी भी बलगम है वो बाहर हो जाएगी। कलौंजी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये सिर से लेकर पांव तक की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए फायदेमंद है। ये मोटापा यानी फैट को घटाने का काम करती है, इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, खासकर पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी होती है, ये ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो सही ना होने की वजह से होती है। अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है तो आप जरूर कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नसों से कचरा है वो निकल जाएगा। चलिए, इन दोनों चीजों को लेना कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं।
बॉडी के नेचर के हिसाब से इसे कैसे कंज्यूम करना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ, अगर आप बताए गए तरीके से इनका सेवन करते हैं तो रोग दूर हो जाएंगे। दोस्तों आपके शरीर के हिसाब से इन दोनों औषधियों को कैसे लेना है, इसके अलावा अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, भविष्य में इन बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो आपने इसका सेवन कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बॉडी के नेचर के हिसाब से इसे कैसे लेना है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक पैन यानी बर्तन को गैस के ऊपर रख दीजिए और इसके अंदर एक गिलास पानी डाल दीजिए। इस पानी के अंदर आधा चम्मच कलौंजी को ऐड कर दीजिए, लगभग यानी 2 से 3 ग्राम कलौंजी की मात्रा होनी चाहिए। आधा चम्मच ही अजवाइन मिक्स कर दीजिए। दोस्तों इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है इन दोनों औषधियों को, क्योंकि ये दोनों औषधियां बहुत पावरफुल है, इनकी तासीर गर्म होती है, तो इसे ज्यादा लेंगे तो नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए यहाँ बना रहे हैं। दोस्तों इन दोनों औषधियों को पानी में अच्छे से उबाल लेना है, इसे तब तक धीमी आंच पर उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। देखिए अच्छे से उबल चुका है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है और पानी की मात्रा भी आधी हो चुकी है। हम अब इस पानी को छान लेंगे, इसके अंदर हम स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे। आप इसके अंदर शहद भी मिक्स कर सकते हैं, जब ये गुनगुना रह जाए तब आप इसके अंदर 1 टीस्पून शहद मिक्स कर दीजिए। डायबिटीज वालों के लिए शहद या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों ये पावरफुल चाय बनकर तैयार हो गई, जो कि आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली है। इसे आप नाश्ता करने के 30 मिनट पहले पी लीजिए। इसे आप सिप सिप करके पीजिएगा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी तरह आपको पीना है। इसे पीने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस चाय को पित्त नेचर वाले व्यक्ति नहीं पी सकते, जिनकी बॉडी का नेचर गर्म है उन्हें गर्म चीजें खाने से तकलीफ होती है, उन्हें इसे नहीं पीना। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है, जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, वे लोग इस चाय को गुड़ डालकर जरूर पीजिए। जिन्हें कफ की समस्या है, खांसी बलगम की समस्या है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जुखाम की समस्या रहती है, तो वो लोग इस टाइम में शहद डालकर इसे लीजिए। दोस्तों इस चाय को पित्त रोगियों ने कैसे पीना है ये भी जान लीजिए। इसे ऐसी औषधि के साथ लीजिए जो पित्त को बैलेंस करता हो। हम पित्त को बैलेंस करने के लिए मुलट्ठी का प्रयोग करने वाले हैं। आपको कलौंजी और अजवाइन के साथ 1 टीस्पून की बराबर मुलट्ठी डालकर उबालनी है। आप बाजार से मुलट्ठी ले आइए और उसे घर पर पीसकर पाउडर बना लीजिए। मुलट्ठी ऐड करने से शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा। इसे भी आप इसे तब तक उबाल लीजिए जब तक अच्छे से पक ना जाए। इसे सिप सिप करके आप नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लीजिए। इस तरह से दोस्तों मुलट्ठी को ऐड करके वात पित्त कफ बॉडी के तीनों नेचर के व्यक्ति बहुत आसानी से इसे पी सकते हैं। दोस्तों इस चाय का सेवन वे लोग भी करें जिन्हें मोटापा है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा यानी फैट पड़ी हुई है। इसके अलावा शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थायराइड की समस्या है, हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है, किसी भी तरह का थायराइड है, डायबिटीज है, गठिया है या फिर अर्थराइटिस है, जोड़ों में घुटनों में कमर में दर्द रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज है, खून गाढ़ा है, तब भी आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तब भी आप फिर भी इस चाय को जरूर पीजिएगा। इसके अलावा मैं इसे पीने का तरीका बता देती हूँ, इस तरह से वे लोग भी पी लें जो भविष्य में इन बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी बने रहना चाहते हैं, पेट के रोगों यानी कि डाइजेशन को दुरुस्त करना चाहते हैं, पाचन क्रिया को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस चाय को जरूर पिए। दोस्तों सबसे पहले आप कलौंजी और अजवाइन लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए। अगर आपने 10 ग्राम कलौंजी ली है तो आप 10 ग्राम ही अजवाइन लेना। दोनों को मिक्स करके किसी डिब्बे में भर कर रख लीजिए। जब भी आप घर पे रोटी बनाते हैं, उस रोटी के अंदर आप दोपहर की रोटी के समय जब आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच इस मिक्स किए हुए कलौंजी और अजवाइन को इसके अंदर ऐड करके ही आटा गूंथना है। इस तरह से आटे गूंदे हुए की रोटी आप अपने पूरे परिवार को खिलाइए, खुद खाइए। दोस्तों ये इतनी पावरफुल औषधि है कि आपके पूरे परिवार का ख्याल रखेगी, अपच की समस्या नहीं होगी, इसे लेने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती है, पूरे परिवार को स्वस्थ रखेगी। इस तरह से सभी लोग इसे ले सकते हैं।
बच्चे बूढ़े सभी इसका सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना। दोस्तों ये जानकारी ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।